तो गाइस YouTube की तरफ से एक न्यू अपडेट आया है, ये अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये अपडेट के मतलब क्या है पूरी तरह से आज इस वीडियो के अंदर आप समझेंगे, और ये अपडेट आपके चैनल पर क्या खतरा है कितना नहीं है आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो लास्ट तक बने रहना, आपको ये ईमेल की मतलब पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस फास्ट यहाँ पे यूट्यूब कह रहा है किसी का आपने ओरिजिनल वीडियो डाउनलोड करके आपने अपना चैनल पर यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद आपका चैनल पर क्या आता है, कॉपीराइट आएगा यूट्यूब रूल की हिसाब से, ठीक है। यूट्यूब रूल के हिसाब से आपके चैनल पर क्या आ गया, कॉपीराइट आएगा। तो ये आप समझ चुके होंगे, ये तो एक चोरी छुपे आप काम कर रहे हो, आप यूट्यूब की जो पॉलिसी है उसको आप तोड़ रहे हो। ये यूट्यूब ने नहीं किया है, आप किसी की और का वीडियो आपका चैनल पर यूज़ करो और तो ये कॉपीराइट तो आएगा ही। तो इस टाइप का ये फास्ट इन सारे लाइन का मतलब यही है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एक व्यू ऑन प्लेलिस्ट, यहाँ पर क्लिक करके आप एक वीडियो देख पाओगे, जाके एक वेबसाइट पर एक वीडियो देख पाओगे। इस वीडियो में आपके कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट सारे कुछ के बारे में दिया हुआ है, आप डिटेल में समझ सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं तीन स्टेप दिया हुआ है, इस तीनों स्टेप की मतलब क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट यहाँ पे यूट्यूब कह रहा है कॉपीराइट क्लेम के बारे में, यहाँ पे यूट्यूब कह रहा है तो आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट क्लेम दे देता है तो आप उसे कैसे बच सकते हो, कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे उसको मैनेज कर सकते हो, सारे ये फर्स्ट स्टेप में बताया गया है। तो कॉपीराइट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है, कॉपीराइट एंड कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, ठीक है। तो गाइस कॉपीराइट स्ट्राइक ये होता है, आपके चैनल पर 3 स्ट्राइक आ जाए तो 90 दिनों के अंदर आपके चैनल उड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे चैनल पर भी एक स्ट्राइक आ चुका है, वेबसाइट के बारे में मैं बताया था किसी वीडियो पर, मेरे चैनल पर भी एक स्ट्राइक आ चुका है, ठीक है। एंड कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने किसी बड़े बड़े म्यूज़िक कंपनी का सॉन्ग जैसे कि टी सीरीज या बड़े बड़े कंपनी का सॉन्ग आपने अपना चैनल पर, अपना वीडियो पर यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद आपके चैनल पर कोई खतरा नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद तो आपका चैनल तो आप पैसे के लिए मोनेटाइज करोगे, उसके बाद आप उस वीडियो का सारा रेवेन्यू जिस कंपनी का आपने सॉन्ग डाला हुआ है उस कंपनी को मिल जाएगा और आप ऐसे बैठे रहोगे। तो ये गलती मत करना किसी कंपनी का सॉन्ग और एंड किसी की, अभी के टाइम पर बहुत कॉपीराइट की क्लेम बहुत सारा वीडियो पर आ रहा है और पैसा तो गया काम से कॉपीराइट आने के बाद, ठीक है। तो ये दोनों है कॉपीराइट, एक कॉपीराइट स्ट्राइक एंड कॉपीराइट के बारे में क्लेम, दोनों के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे बी वन प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप जाके एक वीडियो आपको मिल जाएगा, इस वीडियो पर आपको डिटेल में समझाया गया है। आप उस वीडियो देखने के बाद आपको सारे कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा वो ये फर्स्ट स्टेप पर कहे है, ठीक है। तो गाइस सेकेंड स्टेप पर यह कहा है आपका चैनल पर कोई किसी ने फेक स्ट्राइक दे दिया तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे उसे बच सकते हो, वो बताया गया है, ठीक है। तो अभी के टाइम पर बहुत ये चल रहा है कि किसी का चैनल पर क्या कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहा है चैनल उड़ाने के लिए, तो आप उसे कैसे बच सकते हो और उससे कैसे आप अपील करके आप उसे बच सकते हो, वो नेक्स्ट स्टेप पर कहा गया है, सेकेंड स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ अब, ठीक है। आप नीचे व्यू और प्लेलिस्ट पर जाके जो मैंने आपको पहले कह दिया उस वीडियो पे आपको डिटेल में समझा गया है। आप उस वीडियो देखने के बाद आपको आपका चैनल पर कोई भी फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो आप उसे रिमूव कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस थर्ड स्टेप ये है, यूट्यूब ये कह रहा है आप यूट्यूब पर किस टाइप का वीडियो अपलोड करना चाहिए, ठीक है, और किस टाइप का नॉट, ठीक है। तो ये कह रहा है आप उस टाइप का वीडियो अपलोड करो जो आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, कॉपीराइट क्लेम ना आए, तो इस टाइप का आप वीडियो अपलोड करा करो आपका चैनल पर, ठीक है। तो आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, क्लेम नहीं आएगा, ये थर्ड स्टेप पर ये कहा गया है, ठीक है। तो आई होप ये अपडेट के बारे में आपको डिटेल में समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए।